नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बडाना और आपका स्वागत है मोटो मैकेनिक के एक और वीडियो में। आज हमारे सामने है एथर और इसकी कीज कुछ इस तरीके की दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम कीज को लगाते हैं इनकी जगह पे, और सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलेगा आपको। एरोडायनेमिक लुक है, यहाँ पर आपको एकदम स्लिम डिज़ाइन के अंदर दिया गया है, बहुत ज़्यादा बल्कि इसकी बॉडी नहीं है। यहाँ पर आप हैंडल बार के पास में देख सकते हैं आपको छोटी छोटी डीआरएल्स दी गई हैं। ये छोटी ज़रूर है बट इसकी विजिबिलिटी जो है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। इसी के पास में जो है आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, आप जो वीडियो में देख सकते हैं। इसी के जस्ट थोड़ा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी हेडलैम्प दिख जाएंगी, एलईडी हेडलैम्प है, हाई बीम और लो बीम कुछ इस तरीके से आपको शो होगी। अब बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन में, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक शोकर मिलने वाले हैं फ्रंट साइड के अंदर। 90/19 के टायर मिलेंगे MRF के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस डिज़ाइन की आपको व्हील रिम मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 450X का आपको स्टिकरिंग दी गई है। यहाँ से आप इसकी राइट साइड कंप्लीट प्रोफाइल देख सकते हैं। अब चलते हैं रियर साइड की तरफ और देखते हैं हमें रियर साइड में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर साइड में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी मोटर दी गई है। ब्रेकिंग के लिए आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। टायर जो है आपको फ्रंट साइड में दिए गए हैं, वैसे ही आपको रियर साइड में MRF के टायर दिए गए हैं जो कि ट्यूबलेस हैं। सीट के पास में भी आपको एथर की स्टिकरिंग मिल जाएगी। और ये है दोस्तों इसकी टेल लैंप जो कि LED है। इसी के नीचे नंबर प्लेट के लिए भी एक लाइट दी गई है, वो भी आपको इसके अंदर LED मिलने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें BLDC मोटर तो लगी हुई है जो कि सेंटर में है, बट यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव करने के लिए बेल्ट का ऑप्शन मिलता है। ड्राइव बेल्ट होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ निकल कर आती है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट प्रोफाइल आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। अगर बात करें फुट स्पेस की तो यहाँ पर आपको डिसेंट फुट स्पेस मिल जाएगा, बट जैसे कहीं स्कूटी में देखते हैं कि सिलेंडर वगैरह रख लेते हैं तो इतना कुछ स्पेस आपको नहीं मिलेगा फुट स्पेस पर। दोस्तों ये है इसका साइड स्टैंड जो कि बड़ी आसानी से लग जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड होता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में भी 450X की स्टिकरिंग मिल जाएगी। अगर बात कर ले RVMs की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस डिज़ाइन के RVMs मिलेंगे। इसके RVMs को भी जो स्कूटर का डिज़ाइन है उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। यहाँ पर फ्रंट साइड ब्रेकिंग में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर डिस्क ब्रेक में कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम जरूर मिलेगा, तो उससे जो है ब्रेकिंग इसकी काफ़ी शानदार होने वाली है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें अंडर सीट स्पेस कितना है। तो सीट को अनलॉक करने के लिए जो आपके पास जो मेन स्विच है उससे आप सीट को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है आपको। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एथर के अंदर, बट आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे तो फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छी अच्छी दी गई हैं। यहाँ पर आपको एक वाइट LED लाइट भी दी गई है ताकि नाइट टाइम पर आप कोई भी यहाँ से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो आपको सहूलियत हो सके। यहाँ पर आप देखेंगे सीट के नीचे आपको फर्स्ट एड किट दिया गया है। दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में भी एथर की ब्रांडिंग मिलने वाली है। अगर बात कर लें इसकी सीट की तो यहाँ पर इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी स्मूथ मिलने वाली है, काफ़ी सॉफ्ट इसकी कुशनिंग है। और अगर बात करें इसकी सस्पेंशन की तो लगभग मैंने ये सोच लिया था कि सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के सस्पेंशन स्टिफ आते हैं, बट इसको आप एक बार चलाएंगे तो आपके दिमाग से ख्याल निकल जाएगा। इसका जो सस्पेंशन है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली 7 इंच की LCD डिस्प्ले जो कि टच स्क्रीन है। यहाँ पर आप जो भी ज़रूरी सूचनाएं हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ मोड चेंज करना ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका जो टच रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके जो मोड्स हैं उसके बारे में आपको बता दूँ, आपको 4 मोड मिलने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला है ईको, जिसके अंदर आपको जो 85 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, और इसके अंदर जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 50 किलोमीटर/आवर की। इसके बाद में आपको मिलेगा राइड मोड, इसके अंदर आपको जो रेंज रहेगी वो रहेगी 70 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 65 किलोमीटर/आवर की। इसके बाद में आता है स्पोर्ट मोड, तो यहाँ पर आपको रेंज मिलने वाली 60 किलोमीटर की, वहीं पर गाड़ी की स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर/आवर की। और सबसे जो फास्ट मोड है वो है वॉप मोड, तो यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, वहीं पर जो इसकी स्पीड है वो हो जाएगी आपके 90 किलोमीटर/आवर की। मोड चेंज करने के अलावा आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसके थ्रू आप म्यूजिक को और कॉल्स को कनेक्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके अंदर आप RC इंश्योरेंस जो है
फोल्डर के अंदर डालकर रख सकते हैं। यहाँ पर एरर में कोई सिस्टम से जनरेटर कोई एरर होता है तो वो आपको शो हो जाएगा। साथ ही साथ सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइट मोड रखना है या फिर डार्क मोड रखना है वो देख सकते हैं। रियल टाइम एफिशिएंसी देखनी हो, अगर आपको गाड़ी को शट डाउन करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। आपको एमसीबी स्विच देखने को नहीं मिलेगा यहां पर मैनुअली, आप जो है यहीं से इसको शट डाउन कर सकते हैं अगर आप इस गाड़ी को 3-4 दिन तक नहीं चलाने वाले। अगर बात करें राइट साइड की तो यहां पर आपको किल स्विच, साथ में मोड चेंज करने के लिए और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम के लिए, टर्न इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए आपको स्विच मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पार्क असिस्ट भी मिलने वाला है। और साथ ही अगर बात करें रिवर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स ऑप्शन भी मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ स्पीड के लिए आपकी गाड़ी रिवर्स होने वाली है यहाँ पर, और वो कितनी स्पीड में हो रही है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन ये भी मिलने वाला है कि जब गाड़ी का साइड स्टैंड लगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी मोटर है वो ऑफ हो जाएगी, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। जब आप इसको साइड स्टैंड को सही करेंगे उसके बाद में ही गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों ये है इसका चार्जिंग पॉइंट जहाँ पर आप इसको चार्जर को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक आपको हुक मिलेगा जिसके ऊपर आप हल्का फुल्का कोई सामान हो वो कैरी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर सब्सिडी की तो यहाँ पर आपको दो सब्सिडी मिलने वाली है। यहाँ पर एक मिलेगी सेंटर की तरफ से और एक मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 43,500 रुपये मिलने वाले हैं यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ मैं राजस्थान की तो यहाँ पर आपको 11,036 रुपये इसमें सब्सिडी मिलने वाली है। वहीं पर जो इसकी सेंटर सब्सिडी है वो आपको तुरंत डिडक्ट कर दिया जाएगा जब आप इस गाड़ी को परचेस करेंगे। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है उसमें से आपको तुरंत जो इसकी सेंटर सब्सिडी है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। वहीं पर जो स्टेट सब्सिडी है वो आपको कुछ दिनों बाद में रिफंड होगी। दोस्तों ये है एथर ग्रिड, आपको कई पब्लिक एरियाज़ में देखने को मिल जाएगा ये। इसकी मदद से अगर आप घर से बाहर हैं और अगर आपको लगता है कि स्कूटर को चार्ज कर लेना चाहिए तो इसकी मदद से आप जो है एथर स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। एथर के साथ में एक नहीं दो चार्जर आते हैं, एक तो पोर्टेबल चार्जर आता है और एक जो है दीवार में फिट हो जाता है, उसको आप जो है सेट कर सकते हैं अपने जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर या फिर आप भी उसको आसानी से सेट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल मैं अगली वीडियो में देने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये है इसकी बैटरी जो कि एल्युमिनियम के केस के अंदर फिट है। आप देख सकते हैं इसको शोकेस किया हुआ है वो पूरे पानी के अंदर है, तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि ये जो बैटरी है वो वाटरप्रूफ है। इसके अंदर आपको कलर तीन मिलने वाले हैं, ग्रे, वाइट एंड ग्रीन। अगर बात कर लें इसकी ऑन रोड प्राइस की तो ये अप्रोक्स 1,33,988 रुपये होने वाली है। वारंटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी व्हीकल पर, बैटरी पैक पर और इसका जो चार्जर है, दोनों चार्जर जो दिए गए हैं आपको उसके ऊपर। टॉप स्पीड की बात करें तो ये आपको 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है 3.3 सेकेंड के अंदर, जो कि काफ़ी शानदार चीज़ है। रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है इस स्कूटर के अंदर क्योंकि ये एक हाई स्पीड स्कूटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका फ्रेम है वो किस तरीके से तैयार किया गया है, इसका जो बेस है वो किस तरीके से तैयार है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके जो मोटर है BLDC मोटर है, वाटरप्रूफ है बट वो आपको सेंटर में मिलती है। वहीं पर इसको ड्राइव करने के लिए बेल्ट का यूज में किया गया है ताकि जो इसकी ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ रहे। सस्पेंशन में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा जो कि काफ़ी परफेक्टली काम करता है। मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले चुका हूं जो कि अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। मोटर की बात करें तो यहां पर आपको 6 किलोवाट की पावरफुल मोटर मिलने वाली है। लोडिंग कैपेसिटी जो है आपको 210 किलोग्राम तक की मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स बैटरी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी एथर 450X की वीडियो, मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है मैंने, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।